बिग बॉस के घर की हवाएं बदलने लगी है, यहाँ पर चाहत मोहब्बतें घूमती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ईशान और मायशा के बीच की जो दोस्ती है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अभी हाल ही में ईशान ने मायशा को प्रपोज भी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जब ये दोनों साथ में बैठे बातचीत कर रहे होते हैं तभी एक दूसरे को लेकर बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है या कैसी लड़की पसंद है, और इस दौरान वो दोनों ही अपनी पसंद बता देते हैं। जहाँ परेशान का कहना होता है वो लड़की जो मुझे प्यार करे, दिल से प्यार करे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस वही जो सबसे अलग हटके हो। तो मायशा का कहना होता है जो अनयूजुअल हो, जो मुझे मेरे नखरों को सबको आराम से सहन कर सके, वैसे नखरे हैं तो नहीं। तो यहाँ पर मायशा को लेकर वो कहते नजर आते हैं, जिस दिन तुम रोई ना उस दिन मेरा दिल ही निकल गया यार, सच में द डे आई फेल्ट समथिंग फॉर यू। तो यहाँ पर मायशा ने कहा क्या कमाल की बात कर रहे हो, तुम्हें मैं पसंद हूँ क्योंकि मैं उस दिन रोई? किसी को इस रीजन से कोई पसंद आता है भला? मैं रोई तो तुम्हें पसंद हो गई हूँ। और ईशान कहते हैं यार शो यार, यस यार डेफिनेटली, द डे यू क्राइड आई रियली फेल्ट समथिंग फॉर यू एंड दैट इज। और इस तरीके से यहाँ पर ईशान ने तुम्हें दिल की बात कह दी है, पर क्या मायशा को उनकी ये बात महसूस होगी और आगे इस घर में उनका ये जो बॉन्ड है और स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर ये बस गेम तक रह जाएगा, या फिर बीच में कुछ ऐसा होगा कि दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी? आपकी इस पर राय क्या है, आपके विचार क्या है, हमसे साझा कीजिएगा कमेंट सेशन के थ्रू। और इसी तरह से और भी कई दूसरी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।